प्रियांक ड्रग्स लिंक मामलें दुई गिरफ। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलें एवं पुणी नुआ मोड़। सुशांत बांधवी रियांक ड्रग्स लिंक रे दुई जन को गिरफ कर एनसीबी। मुंबईर बांद्रा अब्दुल बसीद परिहार और जयद विलाट्रा को गिरफ कर। तेज रियांक सहयोगी सामुएल मिरांडा सह अब्दुल संप्रक्ति नहीं अभियोग। रियांक भाई सौविक निर्देश में निशाद्रव्य किणुते सामुएल। ईडीर पचराउचरा समय गिरफ दुई अभियुक्त रियांक भाई सौविक ना नहीं। सेपटे रियांक बापा मां को सीबीआई जेरा करुछि। लगातार 13 दिन धरी ए मामला रे प्रतिदिन नुआ नुआ तथ्य आसीबार लागिछि। रियांक ड्रग्स लिंक मामला रे दुई गिरफ होइछन्ति। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे प्रतिदिन किछि ना किछि नुआ तथ्य सामना को आसुछि। एबे सुशांत को बांधवी रियांक ड्रग्स लिंक रे दुई जन को गिरफ करिछि एनसीबी। मुंबईर बांद्रा अब्दुल बसीद परिहार और जयद विलाट्रा को गिरफ कर। रियांक सहयोगी सामुएल मिरांडा सह अब्दुल संप्रक्ति नहीं अभियोग। रियांक भाई सौविक निर्देश में निशाद्रव्य किणुते सामुएल। ईडीर पचराउचरा समय गिरफ दुई अभियुक्त रियांक भाई सौविक ना नहीं। सेपटे रियांक बापा मां को सीबीआई लगातार जेरा करुछि। लगातार 13 दिन धरी मामलें प्रतिदिन नुआ नुआ तथ्य आसीबार लागिछि। एबे ड्रग्स लिंक जहां सामना को आसी सेई ड्रग्स लिंक रे दुई जन को गिरफ कर सारी एनसीबी। मुंबईर बांद्रा अब्दुल बसीद परिहार और जयद विलाट्रा को गिरफ कर। रियांक सहयोगी सामुएल मिरांडा सह अब्दुल संप्रक्ति नहीं अभियोग। रियांक भाई सौविक निर्देश में निशाद्रव्य किणुते सामुएल। ईडीर पचराउचरा समय गिरफ दुई जन जाक अभियुक्त रियांक भाई सौविक ना नहीं। सेपटे रियांक बापा मां को सीबीआई जेरा करुछि। लगातार 13 दिन धरी ए मामलें प्रतिदिन नुआ नुआ तथ्य आसीबार लागिछि। एने अधिक अपडेट पाई सीधासळख जिबा मुंबई प्रतिनिधि अमित रायंक निकटक। अमित जी, अभी जो ड्रग्स का पहलू नजर में आया है उसको लेके गिरफ्तारी भी शुरू हो गया है। देखिए निश्चित तौर पर शनिवार को जो है दो ड्रग पेडलरों को जो है एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। एक था करण, दूसरा था अब्बास। इन दोनों से पूछताछ की गई तो जैद विलात्रा का नाम जो है सामने आया। जैद की उम्र जो है 20 साल बताई जा रही है और इसे बैंड्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी में इसने कई सारे खुलासे किए और जब इसके कॉल डिटेल को जो खंगाला गया तो दो व्यक्तियों का नाम सामने आया। एक का नाम है बासित परिहार और एक का नाम है सूर्यदीप बल्होत्रा। जब इन दोनों को जो है में से एक बासित परिहार को जो है अंधेरी इलाके से देर रात को जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र जो है 23 साल बताई जा रही है। तो पूछताछ में एनसीबी को यह मिला कि यह शख्स जो है वो सौविक को जानता था और सौविक बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा के जरिए ही सौविक जो है वो जैदी तक पहुंचा था और जैदी ने ही जो है बात की थी फिर सौविक से और सौविक ने जो है जैदी को सैमुअल मिरांडा के जरिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा था और जिसके बदले में 5 किलो जो है ड्रग्स भेजा गया था। और इससे जो है जैदी ने एनसीबी को यह बताया कि उसने 5 किलो ड्रग्स जो है दो आदमी उसके पास लेने आए थे, उसने उन दो आदमियों को सौंपा है। तो जो उनकी लोकेशन ट्रेस की गई तो उस लोकेशन पे जैदी और सैमुअल मिरांडा जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम करते थे और जिसको सौविक ने कहा था कि जैदी को 10,000 रुपए देकर जो है 5 किलो ड्रग्स जो है ले लेना, वहां पे दोनों की लोकेशन जो है सेम मिली हुई है। यानी जैदी को जो है सौविक से मिलाया था बासित ने, बासित को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है एनसीबी द्वारा। अब जो है लगातार ड्रग पेडलरों पे जो है शिकंजा कसता एनसीबी का चला आ रहा है। लगातार मुंबई पुलिस की मदद से जो है एक के बाद एक छापेमारी हो रही है। पहले करण गिरफ्तार हुआ, फिर अब्बास गिरफ्तार हुआ, उसके बाद जैदी गिरफ्तार हुआ और अब बासित जो है गिरफ्तार हुआ है। अब पांचवा शख्स जो है इस पूरे मामले में सूर्यदीप मल्होत्रा, जो बासित के संपर्क में था, जैदी के संपर्क में था और सौविक के भी संपर्क में था। तो इस मल्होत्रा की जानकारी जो है एनसीबी निकाल रही है और एनसीबी ने अपने इन्फॉर्मर को जो है पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है। तो अब जब इस मामले में सौविक का नाम सामने आया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एनसीबी का शिकंजा जो है वो सौविक से कसता हुआ चला जाएगा और जल्द ही एनसीबी जो है सौविक को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो अमित जी, दूसरा पहलू है, अगर 13 दिन हो गया अभी एक केस को सीबीआई हाथ में लेते हुए और उस दिन से अभी तक हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है, कुछ ना कुछ नया पहलू सामने आ रहा है। अभी जो सीबीआई का चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, रिया के पेरेंट्स को लेके जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनसे पूछताछ चल रहा है, उससे कुछ सामने आया है क्या?
देखिए निश्चित तौर पर कल पहली बार रिया के माता पिता को बुलाया गया था, आज जो है रिया के पिता को दोबारा बुलाया गया पूछताछ के लिए। रिया के पिता अंदर डीआरडीओ के स्काउट में है, साथ में शैमुअल मिरांडा है, श्रुति मोदी है। श्रुति मोदी ने यह बताया कि सुशांत और रिया के रिश्तों से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सुशांत के लिए काम करती थी, जो इंस्ट्रक्शन उसे मिलता था वही इंस्ट्रक्शन जो का वो पालन करती थी। लेकिन उसने ये बताया कि सुशांत जो है एक डोमेटिंग नेचर के आदमी थे और वो अपने हिसाब से जो करते थे, और रिया जो है चाहे कोई नई पार्टनरशिप हो या फिर कोई नई बिजनेस डील हो उसमें रिया का इन्वॉल्वमेंट जो है जरूर रहता था। वहीं रिया के पिता की जाने कोशिश की कि आपको कब पता चला कि ये दोनों रिश्ते में है, कब पता चला कि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में है, कब पता चला कि जो सुशांत है वो डिप्रेशन की हालत में है, कौन सी दवाइयां रिया उसको देती थी, यूरोप टूर के बाद आने के बाद क्या कुछ हुआ, ये सारे सवाल जो है रिया के पिता से पूछे जा रहे हैं। और जो कंपनियां थी, दो कंपनियां जो खोली गई, इसमें एक में जो सुशांत ने रिया को डायरेक्टर रखा था, एक में शौविक को डायरेक्टर बनाया गया था। ये दोनों कंपनियां नवी मुंबई के उलेमा में स्थित रिया के फादर के नाम पे एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 503। ये दोनों कंपनियां उनके फादर जो फ्लैट के नाम पर रजिस्टर थी, तो आखिर ये दोनों कंपनियां जो फ्लैट के नाम पर रजिस्टर क्यों थी, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वो कंपनियां क्यों खोली गई, उसमें आय व्यय का स्रोत क्या था, आखिर क्या हवाला के जरिए पैसों का जो है लेन देन किया जा रहा था, ये सारी जानकारी जो है पिता से भी ली जा रही है, श्रुति मोदी से भी ली जा रही है, शैमुअल मिरांडा से भी ली जा रही है। तो एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी और तीसरी तरफ एनसीबी, इन तीनों का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। और जिस तरह से ड्रग पेडलर ने जो है रिया के भाई शौविक का नाम लिया है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि शौविक की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं और शौविक को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। निश्चित तौर पर सीबीआई भी बुला सकती है, एनसीबी भी बुला सकती है, ईडी भी बुला सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहले जो है एनसीबी को एक क्लू की तलाश थी कि कैसे एक क्लू मिला जाए। मैंने आपको पहले बताया करण की गिरफ्तार किया, बासित गिरफ्तार किया, जयदीव गिरफ्तार किया, अब जो है बासित को गिरफ्तार किया, अब इस बासित ने जो है शौविक का नाम लिया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि समन शौविक को एनसीबी द्वारा भेजा जा सकता है उन्हें पूछताछ के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारियों के लिए।